ओके, सो प्रोग्राम था हमारा, क्या प्रोग्राम था, ब्रेक प्रोग्राम टू प्रिंट ए नंबर अप टू 3 डिजिट इनटू वर्ड. ओके, सो आप लोग थे नहीं तब तक मैं ट्राई कर रहा था. सो हमने सिंपल क्या यूज़ किया है, रिकर्सिव फंक्शंस. ओके, कैसे, स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिया वर्ड. ओके, सपोज हमें क्या प्रिंट करना है, 2 to 4. नाउ 2 to 4 हम लोग इसको रन करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 224 मिल रहा है. ओके, सपोज ओनली 200 है, देन व्हाट विल प्रिंट, इट विल प्रिंट 200 ओनली. ओके, नाउ 200 सपोज 02 है, देन वी गेट हाउ मच, 202. ओके, सो किया क्या है, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, बी यूज. हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट, बिकॉज हमें सपोज 22 है, 202, देन वी प्रिंट 200, देन 2. ओके, सो मुझे क्या चाहिए, ये फर्स्ट डिजिट क्या चाहिए, दैट वी रिक्वायर्ड द फर्स्ट डिजिट. सो यहाँ पर सपोज आपके पास क्या है, 202 है. ओके, इस एन के पास क्या है, 202. ओके, नाउ वी कंपेयर दिस नंबर, बिकॉज आफ्टर 100 आपके पास जो नंबर है वो क्या होगा, 100s में प्रिंट होगा. ठीक है, सो सपोज 100, 200, 300, जस्ट लाइक ऐसे प्रिंट होगा. ओके, सो हमने जस्ट क्या किया, यहाँ से निकाला कि दैट नंबर 100 से ऊपर है क्या. ठीक है, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 100, देन हमने क्या निकाला कि ये फर्स्ट डिजिट मुझे मिल जाए, फर्स्ट डिजिट मुझे मिल जाए. ठीक है, सो टू गेट द फर्स्ट डिजिट हमने क्या यूज़ किया, परसेंट वाला ऑपरेटर. सो एन डबल डिवाइड 100, सो मुझे क्या देता है, क्वेश्चन देगा. ओके, सो वी गेट 2. ओके, सो अब हमने फिर इस एक्स की वैल्यू को चेक किया, इफ एक्स इक्वल टू 2, देन ये क्या प्रिंट करेगा, 2. देन इन द सेम केस इफ एक्स इक्वल टू 1, देन 1 प्रिंट करना है. इफ एक्स इक्वल टू 3 प्रिंट करेंगे. इफ एक्स इक्वल टू 4 प्रिंट करेंगे. सो बाकी का भी बचा हुआ है. ठीक है, सो ओके 200. फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, 100 प्रिंट किया. सो 2 कहाँ से प्रिंट किया, अब हमें प्रिंट क्या करना है, सपोज द फर्स्ट डिजिट यहाँ पर हमें 2 मिलता है, देन वी गेट 200. तो 2 मैंने कैसे प्रिंट किया, इफ एक्स इक्वल टू 2, देन प्रिंट 100. ओके, नाउ 200 प्रिंट हो गया. अब मुझे क्या करना है, आफ्टर 200 वैल्यूज प्रिंट करना. सो हमने क्या किया, कॉल किया अगेन. अब हमने क्या किया कि यहाँ से इस 2 को हटा के 02 को पास किया. ओके, व्हेन वी गेट द रिमाइंडर ऑपरेटर वी गेट 02. ओके, मतलब 2. सो इस फंक्शन को अगेन कॉल किया, इट्स अ रिकर्सिव फंक्शन. सो अब एन की वैल्यू क्या हो गई, ओनली 2. सो एन यहाँ पर चेक होगा, एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, सो इट विल प्रिंट 2. सो हमें आंसर क्या मिलेगा, 202. ओके, सपोज यहाँ पर 224. ओके, सो द सेम 2 यहाँ से प्रिंट होगा. ओके, 100 प्रिंट हुआ. नाउ वी पास 24 मुझे कैसे मिलेगा, इससे मिलेगा एन मॉड 100, वी गेट 24. सो 24 अगेन हमने इस फंक्शन में पास कर दिया. ओके, सो अब यहाँ पर वैल्यू चेक होगी, दैट नंबर इज ग्रेटर देन 100, नो फॉल्स. नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इसलिए बिकॉज यहाँ से नंबर आपके पास डबल डिजिट में आ जाएगा. ठीक है, सो अगेन वी फॉलो द सेम प्रोसीजर कि हमने इसका फर्स्ट डिजिट निकाला. क्या निकाला, फर्स्ट डिजिट. ओके, सो फर्स्ट डिजिट मुझे मिला 1.
और टू, ठीक है। सो 24 का फर्स्ट डिजिट मुझे क्या मिलेगा, टू। सो टू देन आगे मुझे देखना है कि ये 20 तो नहीं है, ठीक है। सो 20 है और या फिर 20 के बाद कुछ और डिजिट है, जैसे यहाँ पर 4 है। सो अब मैंने 20 यहाँ पर प्रिंट किया, ओके। देन 4 के लिए अगेन वर्ड कॉल किया। सो मुझे 20 पर ही स्टॉप करना है या फिर 24 पर जाना है, ऐसे प्रिंट करना है, ओके। सो 2 एंड देन एन मॉड 4, सिंपल। क्या किया, आपके प्रोग्राम को फास्ट बनाने के लिए यहाँ पर सिंपल मैंने कंडीशन डाल दी। अदरवाइज सिंपल नॉर्मल 20 से भी काम चल जाता, ओके। सो 20 एंड देन अगेन वर्ड को कॉल कर दिया। अब वर्ड को क्या कॉल किया, एन मॉड 10। एन मॉड 10 मतलब मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 हमने यहाँ से दिया, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि सपोज हमारे पास नंबर है 224, 224, ओके। सो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, वी गेट 2 ओनली। कौन सा 2, ये वाला 2, ओके। सो 2 प्रिंट किया, 100 प्रिंट किया, क्योंकि मुझे पता है नंबर इज ग्रेटर देन 100, तो ये किस में जाएगा, 200 में जाएगा, ओके। फिर ये जो 24 है, ये 24 हमने कहाँ पर इससे पास किया, फिर से नाउ फिर से इस फंक्शन को कॉल किया, नाउ वी गेट 24, ठीक है। अगेन फंक्शन कॉल होगा कब, 200 प्रिंट होने के बाद, ओके। सो अब ये कॉल हुआ 200, अब एन की वैल्यू हो गई 24। सो जब 24 आ गई तो अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी। सो अगेन यहाँ पर क्या है, एक्स इक्वल टू एन 10, ओके। सो अब इससे मुझे क्या मिलेगा, लेट एक्स वी गेट क्या, 24 का फर्स्ट डिजिट, 24 का फर्स्ट डिजिट क्या है, 2, ओके। सो इफ एक्स इक्वल टू 2 एंड एन मॉड इक्वल टू 10, एन मॉड इक्वल टू 10 इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अगले वाले डिजिट चेक करना है कि ये 0 है क्या, क्योंकि है तो मुझे 20 प्रिंट करना है, अदरवाइज 24 प्रिंट करना है। सो 20 मैंने यहाँ से प्रिंट कर दिया, 20 यहाँ भी हम लोग प्रिंट करें, ऐसे इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, प्रिंट 20 एंड देन वर्ड एंड मॉड 10 कॉल किया, ठीक है। तो 20 हमने प्रिंट किया, अब जो 4 बचा हुआ है वो 4 मुझे कहाँ से प्रिंट करना है, नीचे से प्रिंट करना है। सो यहाँ से हमने क्या पास किया, 4 पास किया, नाउ ये 24 यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं, इट विल प्रिंट 224, क्लियर है। सो हमने क्या किया, 224, ठीक है। सो इसको समझना है, ये सिंपल अभी 200 के लिए था, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ओके, अप टू 3 डिजिट ओनली। सो एक्सेप्ट 0 टू प्रिंट ऑल, सो ओके। सो टू हुआ, उसको 1 दे देते हैं। सो अभी क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर 1 प्रिंट कर देते हैं।
1 1 3 in case left, 3 4 4 then 5, it will print 5 6. Then 7, print 7, then 8, and then 9. Okay, so आपने किया 900. Okay, in the same case यहाँ पर, so the same I'll copy. सो इफ इक्वल टू 1. अब इस केस में क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एक इश्यू है. ठीक है, इश्यू क्या है, बिकॉज 10, 11, 12, 13, 14, 15 इज सेपरेट है. ठीक है, सो इन दीज केसेस हमें क्या करना है, एक्स इंडिविजुअल कंपेयर करना होगा. इफ एक्स इक्वल टू 11 11 प्रिंट करेंगे, इफ एक्स इक्वल टू 12 12 प्रिंट करेंगे, अदरवाइज विल प्रिंट 20, 22, 23. ठीक है, सो अभी जो केसेस है हम लोग किसके लिए ले रहे हैं, सपोज कि नंबर इज ग्रेटर देन 20. सो यहाँ पर वी कैन पुट टू कंडीशंस, इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 20 देन वी यूज दिस कंडीशंस. ठीक है, सो इन दिस केस एक्स विल नॉट बी 1. ओके, सो इफ एक्स इक्वल टू 2 और एक्स इक्वल टू 3 देन वी प्रिंट वॉट 30. ओके, if x equal to 4 then we print 40, then 50, then 60, then 70, then 80, then 90. Okay, so 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 9. Okay, so the answer again, if x equal to 2, then we print 20. Okay, now let's go and look bar ले लेते हैं, इट विल कॉल. ठीक है, सो इसको रन करके देखते हैं. 224, सो सपोज यहाँ पर हमने किया 95, सो 954, 954. ठीक है, सो अभी हमने सिंपल फोर तक लिया है, सो वी कैन यूज द सेम थिंग, 4 6 7 8. Okay, so now we can take the number from the user, x equal to p equal to int input enter a number. Okay, so we get p. Okay, so number suppose 5 9 4 3, so 943. Okay, सो अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, सपोज यहाँ पर 10 है, ये 20 के लिए हमने लिया है, बिकॉज 10 से लेके 20 तक 19 तक, ओके, इंडिविजुअल डिजिट्स हमें प्रिंट करना है. सो इन दिस केस हमें क्या करना है, सो सपोज यहाँ पर आई लिफ था, ये कंडीशन हम लोग पुट कर देते हैं, सपोज n ग्रेटर देन इक्वल टू 10,
ये कंडीशन था। अगेन यहाँ पर एक कंडीशन कर देते हैं, इफ एन ग्रेटर देन और इक्वल टू हाउ मच 20, देन वी रन दिस केस। ओके, सो इस बाकी केसेस में हम लोग कहाँ पर रन करेंगे इसको, नंबर क्या है लेस देन 20 है। सो फॉर दिस अब हम क्या प्रिंट करेंगे, इफ व्हाट इफ एन इक्वल टू कितना है 10, देन वी प्रिंट 10 ओनली। इसको इंडिविजुअल प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 11 के लिए सेपरेट है, वी कैन नॉट यूज 1 11 ऐसे। सो ओके, इफ एन इक्वल टू देन वी यूज 11, इफ एन इक्वल टू 12 देन वी यूज 12, ओके, इफ एन इक्वल टू कितना 13 देन वी यूज प्रिंट 13। बाकी आपको कर लेना इसके बाद। सो अब हम लोग यहाँ पर फिर से फंक्शन कॉल नहीं करेंगे, बिकॉज सपोज हमारे पास नंबर है 111, ओके, हमने क्या इनपुट किया, सपोज 111, सो अब ये क्या है 111, विल नॉट गो अगेन 111 1, ओके, सो इसका मतलब क्या है कि आप फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए, सो 111, ओके। सो फंक्शन कॉल हम लोग कहाँ पर करेंगे, सिंपल यहाँ पर जब वो 20 के बाद होगा, ओके सो 13, देन 14, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पर 14, 15, 16, 17, 18, 19, देन 20, 20 ऊपर से नहीं जाएगा, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, देन 19, ओके, सो 13 हो गया, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 15, 16, 17, 18, देन 19, ओके, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही, वन मिनट, स्क्रीन विजिबल है, स्क्रीन विजिबल है क्या, आवाज आ रही है, आवाज आ रही क्या,
आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हुआ इसमें। हाँ आ रही आवाज आ रही है आदित्य। ओके सो 19 हम लोग लास्ट प्रोग्राम देख रहे थे ना। अब हम लोग इस फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। फंक्शन को कॉल क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज सपोज आपके पास 111 है, सो 100 हम लोग ऊपर से प्रिंट करेंगे, 100 प्रिंट किया एंड देन 11 विल स्टॉप। ओके सो नाउ अगेन वी विल नॉट कॉल इट, ओके इट विल स्टॉप। सो जहाँ भी आपको स्टॉप करना है वहाँ पर आपको फंक्शन को कॉल नहीं करना है। सो इन द लास्ट डिजिट हमने यहाँ पर प्रिंट किया, नाउ वी रन इट, ओके एंटर ए नंबर। सो नाउ वी कैन एंटर एनी नंबर, ओके सपोज 110, नाउ 110, ओके। सो अब ये वन लाइन में प्रिंट नहीं हो रहा है, इट विल प्रिंट इन मल्टीपल लाइन्स। सो वन लाइन में प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, सो यहाँ पर जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट है इसमें हम क्या लगाएंगे, एंड इक्वल टू व्हाट। सो एंड होता है एंड होता है एंड होता है, ठीक है देखते हैं। सो 200 एक साथ प्रिंट हो रहा है, 52 नीचे जा रहा है, ओके। सो अगेन एंड यहाँ थोड़ा स्पेस दे देते हैं, सो विल कॉपी दिस वन टू ऑल प्रिंट स्टेटमेंट, सो इट विल प्रिंट इन ए सिंगल लाइन, ओके। नाउ सो नंबर 452, ओके अगेन वी रन इट, सपोज 405, ओके। सो इन दिस वे वी कैन यूज द पर्टिकुलर फंक्शन रिकर्सिव, ठीक है, फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ। सो पहले हमने 100 प्रिंट किया, देन फिर हमने क्या किया, 100 में से 2 को निकाल के ओनली 2 डिजिट नंबर फिर से पास किया इस फंक्शन में, ठीक है। अब 2 डिजिट यहाँ पर आ जाएगा, सो हाउ टू हैंडल 2 डिजिट्स, सो ग्रेटर देन 10 हमने चेक किया, एक नंबर इज ग्रेटर देन 10 देन द पर्टिकुलर पार्ट किसके लिए होगा, इट विल हैंडल सेकेंड डिजिट नंबर, ओके। सेकेंड डिजिट में हमें क्या करना है, 30, 40, 50, 60, ओके ये तो अबाउट 20 चला जाएगा, ठीक है, बट 10 टू 11 के लिए सेपरेट, देन द प्रिंटिंग विल स्टॉप। अगेन आप 20 के बाद मुझे अगेन लास्ट वाले डिजिट चेक करना है, सो वील अगेन कॉल इट बाई पासिंग ए सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट फिर से पास किया, सिंगल डिजिट कहाँ पर है, यहाँ पर है, ओके, और यहाँ से सिंगल डिजिट वाला पर्टिकुलर जो वर्ड है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है।